हम सभी को पता है आधार कार्ड हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सो आधार कार्ड की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है, एक बहुत ही बड़ा चेंजेस कर दिया गया है। अगर आपके पास भी एक आधार कार्ड है तब भी आपको ये वीडियो काफ़ी मदद होने वाला है। तो इसको जानने के लिए आधार में क्या अपडेट हुआ है जानने के लिए आप आएंगे सबसे पहले गूगल पे और आपको यहाँ पर टाइप करना होगा जस्ट UIDAI। आपके सामने सबसे पहले लिंक आएगा UIDAI.gov.in, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद अपना लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है। आपके सामने वाला स्क्रीन आ जाएगा। अभी आपको माई आधार की सेक्शन में आके अपडेट योर आधार की कॉलम में आना है। नीचे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट डेमोग्राफिक्स डाटा एंड चेक स्टेटस, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने नीचे आएंगे, जब यहाँ पर देखिए फाइल एक कंप्लेन, आपको एक न्यू ऑप्शन आ चुका है। तो आधार का न्यू अपडेट यही है कि आप अपने आधार कार्ड को लेकर कोई भी कंप्लेन कर सकते हो। आजकल कई सारी ऐसी कंप्लेन कस्टमर करना चाहता है बट कर नहीं पाता, क्योंकि उनको कोई सोल्यूशन देने वाला नहीं है या फिर कोई भी ऐसा सोर्स नहीं था जहाँ पर वो क्लिक करके कंप्लेन कर सकता था। बट अभी से ये कंप्लेन का सेक्शन चालू हो चुका है। जिसको भी आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या फिर कोई भी कंप्लेन हो, जैसे कि आधार कार्ड बना रहे हैं, न्यू कर रहे हैं या फिर करेक्शन करा रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आपका टाइम लगता है या फिर कोई भी एरर कोई भी दिक्कत हो तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फाइल ए कंप्लेन पर। इसके बाद आपके सामने एक डिटेल्स का फॉर्म आएगा, बस आपको इसे फिल करना होगा। जैसे कि अपना नाम को यहाँ पर लिखना होगा, इसके बाद अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पर लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस को यहाँ पर लिखना होगा, अपना स्टेट को यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कंप्लेन फॉर सेल्फ अदर्स है। अगर आप अपना खुद का करना चाहते हैं तो सेल्फ पर क्लिक करेंगे, और अगर आप अपने किसी और का, फ्रेंड का, फैमिली मेम्बर्स का, किसी का भी कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अदर्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एंटर कंप्लेन टाइप आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कई सारी ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि अगर आपको PVC स्टेटस जानने के बारे में कंप्लेन करना है, ऑथेंटिकेशन इशू के बारे में कंप्लेन करना है, एनरोलमेंट रिलेटेड आप आधार कार्ड बनाए हैं वो एनरोलमेंट हुआ नहीं है या फिर कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कोई आप सेंटर में जाते हैं आधार सेंटर में, वहाँ पर कोई भी आपको मिसबिहेव करता है या फिर ऑपरेटर एनरोलमेंट एजेंसी के ऊपर आपको कंप्लेन करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। पोर्टल से संबंधित या फिर एप्लीकेशन इशू है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। और अपडेट, अगर आप अपने आधार कार्ड में कोई भी अपडेट कराए हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी आप यहाँ पर टाइप चूज करेंगे, इसके बाद नीचे कैटेगरी आपको आ जाएगा कि कौन सा कैटेगरी, जैसे कि मैंने यहाँ पर चूज़ किया अपडेट है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारा आ जाएगा कि आपने क्या मतलब अपडेट के डिटेल्स आपको सेलेक्ट करना होगा कैटेगरी। अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ऑपरेटर एनरोलमेंट एजेंसी तो यहाँ पर अलग आएगा, तो अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, आप पढ़ना होगा आपको डिटेल्स में। इसके बाद यहाँ पर व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट इफ़ एनी, इसके रिगार्डिंग जो आप कंप्लेंट कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है क्या, अगर है तो यहाँ पर क्लिक करके उसे अपलोड करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स में लिखना होगा कि आपको दरअसल हुआ क्या है या फिर आपको जो आधार कार्ड के बारे में जो कंप्लेंट देना है वो पर्टिकुलरली किसके बारे में है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है। इसके बाद ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है ना, ये आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए नेक्स्ट का ये ग्रे कलर होगा, जैसे आप ये सब कुछ फिल करेंगे तो ये यहाँ पर ऐसा टाइप का आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो आपका जो है जो फॉर्म होगा, जो कंप्लेंट होगा, सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पर क्लिक करना है और नीचे आना है, यहाँ पर चेक कंप्लेंट स्टेटस से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एक SRN नंबर आपको वहाँ पर मिलेगा, जब आप वहाँ पर कंप्लेंट करेंगे तो उस SRN नंबर को यहाँ पर क्लिक करेंगे 2-3 दिन बाद। इसके बाद यहाँ पर आपको एक कैप्चा देखेगा, बस यहाँ पर थोड़ा सा एरर आ रहा है, मतलब कि शो नहीं हो रहा है, तो ये जो यहाँ पर आपको एक कैप्चा देखेगा तो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद सबमिट करेंगे तो आपका कंप्लेंट का स्टेटस भी आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद आप जान सकते हैं कि कौन सा आपने जो कंप्लेंट किया है वो कहाँ तक आया है या फिर हुआ है या फिर नहीं, आप डिटेल्स में समझ सकते हैं। अगर आप NSDL पैन कार्ड का एजेंसी लेना चाहते हैं तो आपको आना है NSDLPANAGENT.COM पे। इसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करके ID बनाकर पैसे कमा सकते हैं।
यहाँ पर अगर आप रिटेलर आईडी लेंगे तो 299 का चार्ज है, जहाँ पर आप पैन कार्ड बना पाएंगे सिर्फ। लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं तो 499 का चार्ज है, बट यहाँ पर आपको एक आईडी क्रिएट करेंगे रिटेलर का तो 300 रुपये मिलेगा, 10 आईडी क्रिएट करेंगे तो 3000 मिलेगा, और 100 आईडी क्रिएट करेंगे तो आपको 30000 आपको मिलेगा बस रजिस्ट्रेशन फीस। उसके बाद जब भी आपका रिटेलर एक पैन कार्ड बनाएगा तो आपको 5 रुपये मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने नीचे आप 100 रिटेलर बना लेते हैं और 100 लोग दिन में एक एक पैन कार्ड भी बनाते हैं तो आपको डेली का 500 रुपये मिल जाएगा। इसके बाद सुपर डिस्ट्रीब्यूटर में आपको 899 का चार्ज है, जहां पर आप डिस्ट्रीब्यूटर बना पाएंगे तो 500 रुपये मिलेगा और रिटेलर बनाएंगे तो 300 रुपये मिलेगा, जितना बनाएंगे वो आपका बेनिफिट है। तो आपको विजिट करना है तो nsdlpanagent.com पर आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही हमसे डायरेक्टली बात करने के लिए नीचे मोबाइल नंबर दिया गया है, जहां पर आप सीधे ही व्हाट्सअप कर सकते हैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए।